तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है आपके। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल विमल व्लॉग्स में। तो आज आए हैं हम रिवालसर। रिवालसर आपको घुमाएंगे जो कि मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ एक बहुत बड़ी झील है तो आपको दिखाएंगे, और एक मूर्ति है जो कि 108 फीट है। और ये देखिए मूर्ति जो कि 108 फीट है। ये देखिए ऐसे आपको दो तीन जगह मिल जाएंगे। कोशिश करेंगे आपको कि हम चिड़ियाघर भी दिखाएं यहाँ का। देखिए ये है झील। और ये देखिए बतख। ये नजारा है यहाँ का। ये देखिए बतख नहा रही है। देखिए मछलियाँ। तो ये देखिए मछलियाँ। और यहाँ लिखा गया है कि मछलियों को कुछ ना खिलाएं, क्योंकि पता नहीं एक साल मछलियों को कुछ खिलाया था और मछली सारी मर गई थी। तो फिर ये रूल बन गया कि यहाँ मछलियों को कुछ नहीं खिलाया जाएगा। जो भी खिलाएंगे यहाँ का प्रशासन नहीं खिलाएगा, क्योंकि बच्चे। ये देखिए ये बतख के बच्चे। यहाँ की फीस थोड़ी फ्रेंडली है। और कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ का। ये मंदिर है भोलेनाथ जी का। ये BSNL का ऑफिस। कनेक्टिंग इंडिया। और ये लैंग्वेज हमको समझ नहीं आता है। और ये वो पॉइंट है। और ये नहीं जा रहा गलियों का कुछ। ये मेन गेट है चिड़ियाघर का। तो अब हम जा रहे हैं, देखते हैं अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। पहले तो भालू था, बारहसिंगा था, चीता था। अब देखते हैं क्या है क्या नहीं। तो बने रहे हैं विमल व्लॉग्स के साथ। दिखाता हूँ मैं अंदर जाके आपको चिड़ियाघर में। तो ये कुछ फोटोज़ हैं जो आपको इस चिड़ियाघर में देखने को मिलते थे पहले। अब तो काफ़ी टाइम बाद आए हम, तो अब देखते हैं हैं कि नहीं। इस तरह का मेन गेट है। तो ये देखिए शर्मा गया बेचारा। और ये है जंगली बकरी।
यहाँ लिखा है कि वन्य प्राणियों को ना चिढ़ाएं। तो ये नज़ारे यहाँ के अभी यही इस टाइम तो क्या तो देखिए आपको हिरण बारहसिंघा दिखाता हूँ मैं यहाँ से, अगर दिखेगा आपको जो बारहसिंघा दिखाता हूँ मैं जूम करके, वैसे ऊपर हैं काफ़ी सारे हैं। ये देखिए है बारहसिंघा, काफ़ी सारे हैं यहाँ पे। एक तो मैं घूम भी ऐसा रहा हूँ, अगर कोई जीव खुला होगा तो मेरी तो वाट लगा देगा वो, देखते हैं वहाँ कुछ है शायद, अगर होगा तो दिखाता हूँ मैं। देखिए कान उठा दिए उन्होंने। अब मैं आपको दिखाता हूँ भालू, यहाँ पे भालू तो हैं, ये तो बहुत पहले से हैं, बट बाकी तो नहीं कोई मेरे को दिखा इतना ज़्यादा खास चीप को। तो देखिए भालू कितना बड़ा है, दिखाता हूँ मैं अभी। एक तो डर भी लगता है इनसे, कहीं खुल गए तो बाट तो लगा देंगे मेरी। और ये रहा भालू, इसके ज़्यादा पास जाके डर भी लगता है, देखिए कैसे देख रहा है ये। बोल रहा है दफा हो जाए यहाँ से। देखिए ये है भालू, इसके नाखून देखना आप। मेरे को चिढ़ाए ना, छोटा है अभी, व्यवसाय बच्चा लग रहा है मुझे। देखिए नाखून दिखाता हूँ मैं अगर दिखे तो, ये देखिए नाखून कितने बड़े बड़े नाखून हैं इसके। अगर इस टाइम अंदर होता तो इस टाइम तो मेरा बाजा बजा दिया होता इसने। देखिए नाखून, दो तो बड़े बड़े नाखून हैं इसके, ये देखिए। और इसको मेरी गंध आ रही है, देख कैसे घूर के दिख रहा है। और ये शायद थोड़ा सा भालू का बच्चा ही है अभी, बट खतरनाक दिख रहा है ये, देखिए कैसे दिख रहा है ये। मेरा तो बैंड बजा देगा बेचारा। इसलिए हम चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। कुछ ऐसे नज़ारे थे यहाँ के चिड़ियाघर के, अब देखते हैं कुछ इस साइड भी रास्ता है, इस साइड से रास्ते से जाके देखते हैं कुछ और भी देखने को मिल जाए। बाकी तो इस बार ज़्यादा है नहीं यहाँ पे देखने के लिए कुछ, बट पहले काफ़ी हुआ करते थे। कुछ सुनने में आया कि नीचे भी एक भालू है बड़ा सा जो हमने, तो देखते हैं अभी भालू लिखा है। और ये भी है, ये भी काफी बड़ा भालू है। और ये देख रहा है मुझे, देखिए नाखून, इसके नाखून कुछ ज्यादा बड़े हैं, सारे सबसे बड़ा है। आपको दिखाते हैं जंगली बकरी जो कि देखिए पीछे, इसे बोलते जंगली बकरी। ये रही जंगली बकरी, ये यहाँ सिर्फ अकेली ही है। और ये रहा ऊपर नैना माता जी का मंदिर, आप देख सकते हैं ये है गुरुद्वारे की एंट्री यहाँ से। और सीढ़ियाँ हैं, पहले आपको सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी काफ़ी सारी। हम कई बार अंदर जा चुके हैं, दो या तीन बार तो अंदर भी जा चुका हूँ। और यह गुरुद्वारा है, और आप यहाँ रह भी सकते हैं, रात को सेवा करें अपना, लंगर खाएं और आप यहाँ रह सकते हैं। यह है गुरुद्वारा, प्रार्थना विधि खानी है। और ये 108 फीट ऊंची मूर्ति है, जाएंगे हम वहाँ भी। और ये जो ऊपर आपको दिख रहा है पहाड़, जो
बादलों से ढक चुका है। यहाँ है नैना माता जी का मंदिर जहाँ हमको जाना है थोड़ी देर में। पर दुकानें देखिए कलाकारी, हम जाएंगे अंदर देखते हैं अलाउड होगा हमें कि नहीं। और ये है अंदर के नज़ारे। अब आपको एक बड़ी सी घंटी दिखाते हैं, पर वहाँ अंदर आप जा नहीं सकते, बाहर से देखनी पड़ेगी क्योंकि लिखा है घंटी के पास आना सख्त मना है। और यहाँ बंदर भी हैं। और ये बंदरों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ का, मतलब तो बंदर फोन लेके जाएंगे, पर सफाई का ध्यान रखें। और ये कुछ लेके चलते घंटी की ओर। अंदर नहीं जा सकते हम, नहीं जाएंगे हम अंदर जब रूल ब्रेक नहीं करेंगे। और ये है बहुत बड़ी घंटी है ये, और ये शायद पूरी चांदी की बनी हुई है, नीचे भी बांधी हुई है और पूरी बांधी हुई है। और ये बंदर हैं साइड, और ऐसा नहीं जा रहा है यहाँ का। तो चलते हैं अब आपको ऊपर मूर्ति की ओर लेके चलते हैं। हमने ब्रेकफास्ट किया नहीं है, बट करेंगे थोड़ी देर में। तो कुछ ऐसी एंट्री है यहाँ से, अंधेरा जाना, अंधेरे से होके जाना पड़ेगा, कहीं हम भूल गए तो कोई दिखेगा नहीं, बट चलो चलते हैं। कहीं ना कहीं तो पहुँचेंगे, देखते हैं अब रास्ता यही है या कोई और है। एक तो पहले तो हम आए थे, बट अब हम आते नहीं हैं, तब ये पंगा पड़ता है, बट देखते हैं। कोई ना दिख तो भी रहा है, होगा रास्ते हैं शॉर्टकट। और ये देखिए आपको दिखाते हैं हम कुछ, ये बहुत बड़ा है इनका घुमाने वाला, पता नहीं हम क्या बोलते हैं इसको, बट ये कुछ ऐसा है। देखिए ये इतना बड़ा कुछ है कि घुमाने वाले यंत्र। अब आप पूरा दिन खत्म हो गए, हम उसे कुछ मिले। उसे भी खिला दिया हमने। ये कुछ रास्ता है, तो चलने की आदत है नहीं, थक चुके हैं हम, बट जाना है तो जाना है, जिद तो है। अब ये दो रास्ते हैं यहाँ से, अब यहाँ से जाएंगे यहाँ से जाएंगे, समझ नहीं आ रहा, कन्फ्यूज हैं हम, बट यहीं से होकर चलते हैं, जहाँ पहुँचे के देखा जाएगा कहाँ हम अपने अपने ही तो मंडी में घूम रहे हैं। तो ये हम पहुँच ही गए आई थिंक सो, गेट तो ही है बट कोई और गेट ना हो, अब देखते हैं, गेट तो यही लग रहा है, चलते हैं। और गेट तो यही है, ये देखिए इतना बड़ा गेट। और ये पौड़ियाँ, जो लोग मेरे को फॉलो करते होंगे इंस्टाग्राम पे, उन्होंने देखा होगा कि मैं पहले भी यहाँ आया था, बट पहले मैं अपने दो दोस्तों के साथ आया था, मनीष और विशाल और मैं, हम स्कूटर भी आए थे। इस बार मैं अकेला आया हूँ क्योंकि मनीष की हुई थी कल शादी, तो वो थोड़ा बिजी है आज घर में, और विशाल की हुआ छोटा सा एक्सीडेंट तो वो आ नहीं सकता, इसलिए चलते हैं। और ये कुछ पौड़ियाँ हैं, एक तो यहाँ जोर से बोल भी नहीं सकते, इन्होंने पहले लिखा शांति बनाए रखे। और ये देखिए
ये रेस्टोरेंट है। आज का वेदर बहुत अच्छा है और आप देखिए आप, और यहाँ से आपको आधा रिवाज से दिख जाएगा, और ये है रिवाज सर, और ये है रिवाज सर। यहाँ से होके हमको जाना है ऊपर को, अब देखते हैं यहाँ कुछ खाने मिलता है तो खाएंगे। इतना अच्छा इन्होंने मेंटेन किया इसको, और ये इस साइड से नजारा। ऊपर जा सकते हैं, है ऊपर कोई जूते नीचे खोलने का, ठीक। तो ये है यहाँ का, यहाँ परिक्रमा कर सकते हैं। ऊपर जाने से पहले सूज खोलने पड़ेंगे, हाँ देखते हैं खोल देंगे हम, बट ये है ये कुछ ऐसे नजारे हैं यहाँ के, अब देखो आप। बट ये अपोजिट हो रहा है यहाँ से, तो ये यहाँ शायद मैं पहले आया था, मेरे को याद नहीं कि वही है। यहाँ आपको बहुत सारी दीप जलते हुए दिखेंगे, जो कि उनको देखने का कुछ अलग ही आनंद होता है और दिल को सुकून भी मिलता है। देखते हैं ऊपर जाने की अनुमति तो है, हम जाएंगे फिर सूज खोल लेते हैं, फिर अंदर देखते हैं अंदर जाने की अनुमति है कि नहीं। तो अब हम चलते हैं अंदर, देखते हैं अंदर क्या है, अभी हम अंदर गए नहीं है आज तक। चलो तो आप चलते हैं फिर अंदर। जय हो माता मुद्दा की। इतना बड़ा ढोल, डोनेशन बॉक्स, आप मानेंगे नहीं अंदर इतनी साइलेंट है कि आप एक सुई गिरेगी नीचे तो सुई की आवाज़ सुनाई देगी आपको अंदर, इतना साइलेंट है अंदर। तो अब चलते हैं ऊपर, ऊपर अलाउड है, सूज खोल दी हमने, चलते हैं ऊपर। अब चलते हैं ऊपर, सूज खोल दे लिखा हुआ है उन्होंने, तो हम इसके रूल ब्रेक नहीं कर सकते, ना हमें करनी चाहिए, जिन्होंने जिस हमें हर एक धर्म का सम्मान करना चाहिए,
जिससे किसी भी धर्म को ठेस न पहुँचे, तो जब तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि किसी के दिल को दुखाना अच्छी बात नहीं है। तो अब देखेंगे मेरे पीछे, तो लोग नहीं रहा कोई होगा, बट फिर भी हम आए हैं। तो ये कुछ हरी पहाड़ और ये है और ये देखिए। वैसे तो हमने ऊपर जाना था, बट लिखा हुआ है इन्होंने कि नो एंट्री, यहाँ बंद किया हुआ है। तो जब बंद किया है तो जाना ही क्यों, रूल नहीं ब्रेक होना चाहिए किसी के। और ऊपर जाके हम ही गिर गए तो भी क्या फ़ायदा है, शायद अंदर जाने के लिए बना होगा टॉप पे। बैक साइड से भी है वैसे, बट वहाँ जाना ही क्यों जब मना किया हुआ है। और ये रहा रिवाज सर, वहाँ से एंट्री है, तब गाड़ी दिख रही है, यहाँ से एंट्री है, फिर यहाँ से आके इस साइड आ सकते हैं। अगर आपने चिड़ियाघर जाना है तो यहाँ से एंट्री करके आप उधर से घूम के यहाँ जाएं, इस साइड आपको एंट्री है, ये सामने दिख रही है, यहाँ से ऊपर को चिड़ियाघर के लिए एंट्री है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का ब्लॉग होता समाप्त, मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तो बने रहें आप एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल बीमी ब्लॉग्स। तो मिलते हैं न्यू ब्लॉग।